शिवनी जिले के खाद्य विभाग अधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में ट्राइबल विकास खंड में 37 गाड़ियों के द्वारा बनाए गए 37 सेक्टरों में खाद्यान्न पहुंचाने हेतु गाड़ियां वितरण की जाना है, जो बनाए गए सेक्टरों में अनाज भर करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र हितग्राहियों को वाहन द्वारा उनके गाँव में घर घर जाकर वितरण करेंगे। ये आदिवासी ब्लॉक छपारा, कुराई, लखनादोन, घनसोर, धनोरा है, जिसके तहत आज सेंट्रल बैंक छपारा द्वारा 7 हितग्राहियों को अनाज वाहन प्रदान करना है, जिसमें आज सर्रा निवासी पन्नालाल इनवाती को छपारा ब्लॉक के अंतर्गत चमारी सेक्टर हेतु पात्र हितग्राही का चयन करके वाहन खरीदने हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है, जो टाटा वाहन सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक सतीश कुमार सिंह द्वारा प्रदान किया गया। वाहनकर्ता को शासन द्वारा 24,000 रुपये महीने का भुगतान किया जाएगा, जिससे वो गाड़ी का लोन किस्त के रूप में भुगतान करेगा और अपने परिवार का भरण पोषण भी करेगा। छपारा से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। गाड़ी इनको प्रदान की गई थी। ये मुख्यमंत्री राशन योजना के अंतर्गत है। इसमें एक इन्होंने योजना चलाई है राशन आपके द्वार। इसमें सिवनी डिस्ट्रिक्ट में 38 लोगों को गाड़ियां दी जाएगी और इनका काम ये रहेगा कि गांव-गांव में जाके ये राशन पहुंचे। छपारा सेंट्रल बैंक के द्वारा कितनी गाड़ी प्रदान की? हमारे यहाँ से 7 गाड़ी। कौन कौन सी एरिया में? ये छपारा का जितने भी सेक्टर हैं सभी क्षेत्र में, भीमगढ़ है, रामगढ़ है, छपारा है, भुनई है, सभी क्षेत्र। इसमें हमारे सिवनी खाद्य विभाग ऑफिस द्वारा इन लोग का ये हुआ है, सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन होने के बाद वहीं से हमारे पास ये है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।